देखो आप, आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे हम, जो कि मान लो पूरे का पूरा जो भी हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर, उसका सबसे मेन टॉपिक है ये। ठीक है, आप सबसे पहले एक बार इंडेक्स निकालो और इंडेक्स में देखो मैंने क्या क्या करवाया। हम टिक भी करते जाएंगे और हमें पता भी चलता जाएगा उस हिसाब से कि हम कितना कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, हमने सिंपल क्वेश्चन किया था। सिंपल क्वेश्चन करने के बाद हमने करा था कॉल्स इन एडवांस वाला, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद किया था एडवांस वाला, ओवर सब्सक्राइब वाला एडवांस। उसके अंदर तीन केसेस किए थे, याद है ना? रिजेक्टेड, एडजस्टेड, एडजस्टेड एंड रिजेक्टेड। इसके बाद किया था कॉल्स इन एरियर, उसके अंदर भी हमने तीन केसेस किए थे। उसके बाद एरियर एंड अलॉटमेंट को मिक्स कर, एरियर और एडवांस को मिक्स करके कैसे करा था वो भी देख लिया हमने लास्ट क्लास में। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शेयर फॉरफीचर, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है हमारा, शेयर फॉरफीचर। मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो इसके ऊपर ध्यान मत दो अभी। सबसे पहले हम सीखेंगे शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एक तरीके से मान लो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन के। तो शेयर फॉरफीचर होता क्या है? जनरली मान लो एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक कंपनी जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, अगर इसको फंड की जरूरत है, ध्यान से देखना बस एग्जाम्पल, अगर इसको फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो इसने क्या करा, शेयर इशू किया। एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उसको पैसे की जरूरत है तो उसने शेयर इशू किए। शेयर इशू करा किसको इसने किया होगा? पब्लिक को। शेयर इशू किसको किया होगा इसने? पब्लिक को। पब्लिक से ये पैसे लेगा और अपनी कंपनी में शेयर दे देगा। जब पब्लिक को इसने इशू किया तो पब्लिक क्या जानना चाहता है कि कैसे कैसे पैसे देने, ये बताइए। तो कंपनी ने बोला भाई आपको ऐसा करना है, 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए, ये सिस्टम रहेगा। यानी एप्लीकेशन पे 2 रुपए लेके आइए आप, और अलॉटमेंट पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 5 रुपए। पब्लिक ने, इसने बोला कि भाई मुझे भी शेयर चाहिए, मुझे 100 शेयर चाहिए। कंपनी ने बोला अच्छा ठीक है, आप अप्लाई करो, आपको 100 शेयर मिल जाएगा। इसने ये वाला पेमेंट एप्लीकेशन के साथ दे दिया पैसा, तो कितने रुपए दिए? 200 रुपए दिए। अलॉटमेंट के टाइम पे भी पैसे मांगा और इसने दे दिए, कितने दिए? 300 रुपए। लेकिन इस पब्लिक का मान लेते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा बेकार हो गया और फाइनल कॉल पे पैसे नहीं देता ये, किसी भी रीजन से, फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से, जो ये पर्सन है ये कंपनी को कहता है कि सर मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। कंपनी ने बोला क्यों भाई, देना तो पड़ेगा आपको। उसने बोला मेरे पास है ही नहीं। कंपनी ने बोला कि चलो आपके पास नहीं है तो आपके शेयर को मैं फोरफीचर कर लूंगा। इस पर्सन ने बोला मुझे फोरफीचर और फीचर समझ में नहीं आता क्या होता है, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, सीधी बात ये है अभी फिलहाल। कंपनी ने बोले जाओ, आपको जो शेयर दिए थे आपको मैंने अपनी कंपनी का मेंबर बनाया था, आज से आपको हटाता हूं। इस पर्सन ने, शेयर होल्डर ने भी गुस्से में आके बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, हटा दो, मेरे पैसे जितने दिए थे वो मेरे वापस दे दो, मुझे नहीं रहना आपकी कंपनी के अंदर। किसने बोला ये? शेयर होल्डर ने बोला। कंपनी बोलता है कि भाई अब मैं समझाता हूं आपको लॉजिक कि आप इस शेयर को पैसे नहीं दे रहे, आप ध्यान से प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, वहां पे लिखा होता है सारी बातें कि अगर आपने ये जो दोनों पेमेंट है आप मुझे धमकी इसी बात की दे रहे हो ना कि मेरे पैसे वापस दो, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इसने पूछा क्यों नहीं मिलेंगे भाई, जितने पैसे दिए मेरे लौटा दो, हम नहीं दे रहे आपके पैसे। तो बोला गया रूल ये है कि अगर हम आपको शेयर दे देते हैं और आप पेमेंट करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और बाद में कभी अगर देने से मना कर देते हो, तो हमारे पास अधिकार है कि जो पैसे आपने दिए उस पैसे को भी रख लेंगे और जो शेयर आपको दिए गए वो शेयर भी आपसे ले लेंगे। दो राइट्स है कंपनी के पास, एक तो जो शेयर दिए वो भी वापस ले लेंगे और जो पैसे दिए वो भी रख लेंगे। जो पैसे दिए वो हम अपने पास रख लेंगे, तो इसको बोला जाता है फोरफीचर करना। इसको क्या बोला जाता है? फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। तो यहां पे मुझे सिंपल सिंपल बताना आप, कितने रुपए
शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया कितने रुपए? 100 मल्टीप्लाई 2, 100 मल्टीप्लाई 3, यानी कितने रुपए दिए? तो कंपनी इसके कितने रुपए अपने पास जब्त कर लेगा? 500। बाकी इसने नहीं दिया, कंपनी का पहला रूल तो उसने बता दिया, देख तेरे 500 रुपए गए मेरे पास जब्त हो गया, भूल जाए इस 500 रुपए को। इसके बाद बोलता है मेरा दूसरा रूल, अब मैं तेरे से शेयर ले लूंगा। शेयर होल्डर बोलता है अब जब तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अब देखता हूँ कैसे शेयर ले लेता है, मैं दूंगा ही नहीं शेयर वापस। कंपनी ने बोला भाई मैंने बोला तेरे से शेयर ले लूंगा, ये थोड़ी बोला जो कागज दिया वो छीनूंगा मैं तेरे से। शेयर ले लूंगा का मतलब मैं अपने बैलेंस शीट में तेरे नाम से, यानी अपने बैलेंस शीट के अंदर मैं हर बार एक इसके नाम से लाइबिलिटी में लिख रहा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहा था। अब मैं तेरे से शेयर छीनूंगा तो इसका मतलब क्या है? तेरे से कोई कुछ लेने वाला नहीं हूं मैं एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। जा अब देता हो तो दे दे, नहीं देता तो मत दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। शेयर छीनने का मतलब मैं अपनी एंट्री को क्या करूंगा? रिवर्स। जो पहले मैं लाइबिलिटी मान रहा था अब मेरा तो लाइबिलिटी है ही नहीं, तो इसको रिवर्स कर दूंगा, यानी क्या कर देगा इस एंट्री को? ये डेबिट। और शेयर फॉरफीचर करेगा तो कंपनी के लिए क्या है? फायदा। तो इसको क्या करेगा? ये क्रेडिट। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? शेयर फॉरफीचर। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है। शेयर फॉरफीचर वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दे रखा है, वो कंपनी उस पैसे को देने से डिनाई कर दे। क्यों डिनाई करेगा? क्योंकि वो बाकी के पैसे नहीं दे रहा, तो जितना पैसा अपने पास रख लेगा उसको शेयर फॉरफीचर बोलते हैं। समझ में आया शेयर फॉरफीचर क्या होगा? एक एग्जाम्पल से बताना मुझे। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए और 6 रुपए, शेयर होल्डर ने ये दे दिया, बाकी कोई भी नहीं दे रहा, कंपनी ने बोला मैं तेरे शेयर फॉरफीचर कर लूंगा। तो मुझे बताओ एक पर्सन के पास 100 शेयर है, वो कितने रुपए कंपनी फॉरफीचर करेगा? 200 रुपए। समझ में आ रहा है? यानी जो दे दिए उसी को फॉरफीचर किया जा सकता है। क्या कंपनी बोल सकता है जो तूने नहीं दिए वो भी नहीं दूंगा तुझे वापस? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये वाला पॉइंट तो फॉरफीचर हमारा हो ही नहीं सकता। तो अब मैं शेयर फॉरफीचर की मैं बात करूं तो शेयर फॉरफीचर क्या होता है? टॉपिक क्या है? शेयर फॉरफीचर। यानी अब क्या होगा? शेयर होल्डर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? फेल। और उसके शेयर को हम क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी क्या क्या लिखा है उस पर मत जाओ, सिर्फ इसका मतलब समझो, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है। यहां तक बिल्कुल क्लियर? चलिए अब हम कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, क्या क्या करेंगे एंट्री के अंदर और क्या नहीं करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल और इसको ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा बिल्कुल ऐसा ना हो कि एकदम मिक्स कर दो, हॉच पॉच कर दो। बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए जी ये टॉपिक किया है और ये क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। शेयर फॉर फीचर हो सकता है अगर क्या पता आपने शेयर इशू जो किया है वो किया है प्रीमियम पे, तो उसका फॉर फीचर हो सकता है। क्या पता जो आपने शेयर इशू किया है वो किया है एट पार पे, उसका भी फोर फीचर हो सकता है। तो प्रीमियम वाले का फोर फीचर करने का हम क्लास 2 में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बारे में अभी नहीं देखते, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? आज हम सीखेंगे इशू एट पार किया हो और उसका फोर फीचर हो रहा हो तो कैसे ट्रीटमेंट करें। इसमें मैंने 3 कैटेगरी कर दिया, फेल, अलॉटमेंट एंड फोर फीचर आफ्टर फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे फेल हुआ लेकिन मैंने उसके शेयर नहीं लिए, मैंने बोला फाइनल कॉल के बाद लेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल का केस नंबर 1 करने जा रहा हूं। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि वास लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 10,000 शेयर। पब्लिक को ऑफर किया कि भाई मेरी कंपनी के कितने शेयर ले लो? 10,000 शेयर ले लो और आप मुझे सारा पैसा 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस फाइनल पे देना। इसका मतलब जो इशूड है वो है 10,000 शेयर, और जो मैंने आपसे पेमेंट मांगा है कुछ इस तरीके से मांगा है कि 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 5 फाइनल कॉल पे। मिस्टर राम हु होल्ड 200 शेयर, एक राम जिसके पास 200 शेयर है वो फेल हो गया, ये राम है। और ये राम अलॉटमेंट पे आके बोलता है मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, ये कौन है? राम। और इसके पास कितने शेयर हैं? 200 शेयर है। यहां तक समझ में आया कि राम जो है वो फाइनल कॉल पे आके पैसे देने से क्या कर रहा है? डिनाय।
कंपनी ने इसके शेयर फॉरफीचर करने का फैसला कर लिया। हम करने जा रहे हैं इसका केस नंबर वन। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, लेकिन कब? आफ्टर फाइनल कॉल। कब करेंगे इसका फॉरफीचर? फाइनल कॉल। इसका मतलब मैंने बोला राम भाई अलॉटमेंट के पैसे दो आप, कौन बोल रहा है ये? कंपनी। राम ने बोला नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप फर्स्ट कॉल पे दे दो अब पैसे। जब अलॉटमेंट पे नहीं थे तो फर्स्ट कॉल पे तो दे ही सकते हो। अब तो मैं फर्स्ट कॉल कुछ दिनों बाद मांग रहा हूं, अब तो दो पैसे। अब अगेन बोल रहा है कि नहीं है। बस कंपनी ने बोला बस मैं अब आपसे पैसे नहीं मांग सकता, जितना टाइम देना था, जितना मोहलत देना था मैंने दे दिया, अब आपके शेयर होंगे फॉरफीचर। तो मुझे बताओ राम के कितने रुपए कंपनी फॉरफीचर कर सकता है? कितने शेयर हैं? इसने पेमेंट क्या किया है? सिर्फ ये दिया? ये तो दिया नहीं, ये तो दिया नहीं, तो कितने रुपए फॉरफीचर कंपनी कर सकता है? ये समझ में आ रहा है क्लियर बिल्कुल कि इतने रुपए फॉरफीचर कर सकता है? अब चलो अब हम इसकी एंट्री करते हैं, बेसिक बेसिक एंट्री। हम पहली एंट्री क्या करने वाले हैं? हम एंट्री करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट। आपको आता ही है फिर भी मैं बस करके दिखा रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और यहां 10,000 इंटू में दो 20,000। समझ में आ रहा है ना ये 20,000? अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन ये क्या आ जाएगा? लेकिन मैं एक काम करूंगा थोड़ा सा क्लियरिटी देने के लिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। यहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट का मतलब है कि मैं मान रहा हूं कि मैंने आपको अपना मेंबर बना लिया है और आपके नाम से लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया है। तो यहां पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 20,000, क्या ये सारे बंदे गुड हैं? 20,000 जो रुपए आए हैं हमारे पास, क्या ये सारे बिल्कुल अच्छे बंदे जो सारे पैसे देंगे लास्ट तक? इसमें दो प्रकार के इंसान आ गए, दो तरीके का सिचुएशन आ गया। मैं उसको साइड में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कौन कौन? एक तो 9,800 है जो कि बहुत गुड है, और एक 200 है जो कि कैसा है? बिल्कुल बेकार पर्सन है ये 200 वाला, क्योंकि 200 वाले का आपको पता ही है कि आगे क्या करने वाला है, ये आगे पेमेंट देने से मना करने वाला है, जिसके पास कितने शेयर है 200। यहां तक समझ में आया? बस मैं बायफिकेट कर रहा हूं। अगली एंट्री क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक कोई डाउट? चलो पेमेंट कितना आएगा? अगेन 3 से 30,000। क्या मैं इसके बारे में भी लिख सकता हूं कि इसके अंदर 9,800 तो बढ़िया वाले शेयर है, 200 बेकार है जो कि नहीं देगा, आगे फेल हो जाएगा, राम है इसके अंदर? 98 कैसे आया? 10,000 टोटल था। अब कुछ बच्चों को डाउट जैसे आ गया, 9,800 कैसे लिख दिया? पता नहीं कहां से खुद ही कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। 10,000 टोटल था, 10,000 में से 200 तो बेकार वाले हैं, तो बाकी कितने बचे सही वाले? 98। चलिए अब आगे एंट्री मैं यहां करता हूं। बैंक से पैसे लूंगा। मैंने बोला भाई बैंक में पैसे आने चाहिए, तो बैंक में पूरे 20,000 तो नहीं आएंगे, जिसने नहीं दिए उसके पैसे नहीं आएंगे। कितने? 200 मल्टीप्लाई 3 600, तो आ कितना जाएगा? अब यहां पे एरियर है या नहीं है? और टू शेयर यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला फाइनल कॉल मांगेंगे। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट आएगा 10,000, यानी 50,000। क्या अमाउंट आ गया? 50,000। अब मुझे बताना जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, इसमें अगेन दो तरीके के हैं। अगली एंट्री क्या करेंगे? बैंक में पेमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर और टू शेयर, ये आना चाहिए मेरे पास 50,000, लेकिन उसमें से 1,000 नहीं आएगा, 49।
यहां तक समझ में आया? ये सब तो पहले ही आता था हमें, लेकिन हमने फोर फीचर का एंट्री अभी तक नहीं किया, क्योंकि फोर फीचर कहां होगा? शेयर फाइनल कॉल के बाद। अब ध्यान से सोचो, उस इंसान के बारे में सोचो जिसने के पेमेंट नहीं दिया। राम ने मुझे पैसे नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? उसके फोर फीचर करूंगा। राम को मैंने कितनी बार, सबसे पहले कब उसके नाम से कैपिटल को क्रेडिट किया? एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने बोला, राम आपको एप्लीकेशन के टाइम पे 200 इंटू में 2 400 रुपए का मैंने क्रेडिट किया। राम आपको मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे भी क्रेडिट किया या नहीं किया? अलॉटमेंट के टाइम पे चेक करो, इसके नाम से मैंने क्रेडिट किया या नहीं किया, यानी मैंने लाइबिलिटी क्रिएट किया है 600 रुपए। फाइनल कॉल पे क्या इसके नाम का लाइबिलिटी क्रिएट किया है? मैंने किया है, यानी 200 इंटू में 5, 1000। मैं मान के चल रहा हूं मेरे बैलेंस शीट के अंदर राम के नाम का कैपिटल 1000 है, लेकिन जब मैं इसके शेयर को छीन लूंगा तो ये, अच्छा 2000, 2000 है। जब मैं इससे कैपिटल को छीन लूंगा, इससे इसका शेयर वापस ले लूंगा, तो सोच के बताना क्या बैलेंस शीट में ये 2000 नाम की लाइबिलिटी होगा? जब है ही नहीं तो नहीं होगा, यानी इसको मुझे खत्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अभी लाइबिलिटी में क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसका मतलब सिंपल कि अगर मैं किसी पर्सन को शेयर दे दूं और उससे शेयर छीनना हो, तो हम उसके कैपिटल को डेबिट करके उसके शेयर को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन डेबिट कितना? जितना उसने पेमेंट दी, जितनी बार कंपनी ने उसके नाम से कैपिटल को क्रेडिट किया होगा उतने से ही। तो यहां पे अगर मैं एंट्री करूं तो एक एंट्री मैं करना जा रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं करूंगा भाई 2000। कैसे? आपके पास 200 शेयर थे और 10 रुपए पूरे मैंने आपको दिए थे पहले, और अकाउंट डेबिट। दूसरा कंडीशन कंप्लीट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं आपके एक तो पैसे रख लूंगा और एक आपके शेयर छीन लूंगा, तो शेयर को मैं आपके ले लूंगा, फोरफीचर कर लूंगा, तो मैंने इक्विटी शेयर क्या कर दिया? डेबिट। क्या अब मेरे बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी बचेगा? नहीं बचेगा, इसमें कोई दिक्कत। अब शेयर में फोरफीचर करूंगा, तो फोरफीचर में वही पैसे करूंगा जो उसने, अब जितने पैसे दिए वो मैं अगर फोरफीचर कर लूं, तो क्या क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है कि मैं कितने रुपए इसके फोरफीचर कर सकता हूं? 400। तो मेरे लिए इनकम है, एक तरह से फायदा हो गया, तो कहां होगा? क्रेडिट होगा। तो टू साइड में लिखूंगा, टू शेयर फोरफीचर 400 रुपए। अब मुझे बताना ये कॉल सिनेरियर क्या आपको बताता है? बताओ, डेबिट क्यों किया कॉल सिनेरियर? क्योंकि मुझे लगता है कि राम दे देगा, मैंने एसेट्स मान रखा था, यानी राम के नाम का मैंने अलॉटमेंट एरियर लिखा के भाई ये मुझे 600 देगा, और कॉल सीन एरियर लिखा के मुझे 1000 देगा, तो मेरे बैलेंस शीट तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि राम मुझे पैसे दे रहा है क्या? इसको हटाना है मुझे, एसेट से इस एंट्री को हटाना है। तो क्या करना चाहिए मुझे, डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। जो जो एसेट्स माना है सबको, तो अलॉटमेंट को एसेट्स माना है, तो एरियर अलॉटमेंट हटाओ, क्रेडिट करो कितने अमाउंट से? 600 से, और टू शेयर कॉल्स इन एरियर 1000। ये लो हो गया फोरफीचर, इसी को बोलते हैं शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये पता होना चाहिए, क्यों किया गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट वाइज? क्योंकि भाई उसको दिया था, वापस ले रहे हैं तो डेबिट ही होगा। शेयर फोरफीचर क्यों क्रेडिट हुआ बताओ? इनकम है। ये एरियर अलॉटमेंट क्यों क्रेडिट हुआ भाई? एसेट सा जो गलती हो गई थी, अब उस गलती को सुधारने के लिए क्रेडिट किया, और कॉल सीन एरियर। एंट्री बिल्कुल क्लियर है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसा नहीं कि आपको सोचना है कि अलॉट फोर फीचर का ये एंट्री करते हैं, रट लिया, और कुछ बच्चे क्या करते हैं ये दोनों कर देते हैं, बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये एंट्री कर देंगे, नीचे की दो एंट्री कर देंगे, और ये पता है कैसे निकालेंगे? डिफरेंस लेके। जिसके अंदर के सही नहीं होता वो गलत भी हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता फोर फीचर कैसे होता है, बस बोलता है कि हमें तो आता है फोर फीचर, लेकिन एक्चुअल ये है हमारा फोर फीचर का। अब इसके अंदर बींग, सबका तो बींग सेम था, इसका बींग क्या लिखे? इसका लिखेंगे बींग शेयर या राम शेयर फोरफिटेड। बस राम का शेयर कर लिया गया, और डिटेल लिखना चाहते हो राम शेयर फोरफिटेड ऑन अलॉटमेंट या आफ्टर फाइनल कॉल, ये लिख सकते हो। ठीक है,
केस नंबर वन कंप्लीट, एक बार चेक करिए। ये वाली एंट्री तो हमें समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ये तो सीखा सिखाया है। एंट्री कौन सा सीखा है हमने आज? ये। तो ये किस चीज की एंट्री है? शेयर फॉरफिचर के। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है ये? एक पॉइंट पूछूं मैं आपसे, मान लो एक शेयर है मेरा दस रुपए का, एक शेयर है मेरा दस रुपए का, और दस रुपए में मैंने करा क्या, मैंने राम से किसी पर्सन से पैसे मांगे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। मैंने बोला बस इस कंपनी के अंदर बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल है, आपने पैसे नहीं दिए आपके शेयर में वापस ले रहा हूं, छीन रहा हूं। तो 200 शेयर थे सपोज करो, तो उससे कितने पैसे छीन लूंगा? 600 रुपए। लेकिन आप ध्यान देना, उसके बाद क्या मैंने उससे ये मांगा? जब उससे ये मांगा ही नहीं, तो उसके नाम का लाइबिलिटी क्रेडिट किया होगा? नहीं किया होगा। तो बस उसके नाम का लाइबिलिटी क्रेडिट किसका हुआ होगा? 5 रुपए। तो अब शेयर कैपिटल फोर फीचर के टाइम पे डेबिट कितने रुपए करेंगे? 5 रुपए इंटू में 200, यानी 1000 रुपए। समझ में आए? यानी डिपेंड करता है कि फोर फीचर कहां हो रहा है, उसी के हिसाब से। हर किसी में ऐसे नहीं कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर हो जाएगा, हर जगह पे ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। चलो देखो अब केस नंबर टू देखना, फेल ऑन अलॉटमेंट एंड फोर फीचर। अलॉटमेंट पे फेल हुआ और मैंने उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया और उसके शेयर को क्या कर लिया मैंने? फोर फीचर कर लिया। क्वेश्चन क्या कहता है? फोर फीचर आफ्टर अलॉटमेंट करे तो केस नंबर टू क्या बनता है? तो चलो केस नंबर टू मैं इसके साइड में करके दिखाता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा ना या नहीं होगा? होगा। कितने रुपए से होगा डेबिट? क्वेश्चन यही है पूरा, बताओ। 200 अलॉटमेंट के बाद दे नहीं रहा, मांगे ही नहीं हमने, तो एक तो ये क्रेडिट किया होगा, एक ये क्रेडिट किया होगा। मैं सिर्फ शेयर फोर फीचर की, तो 5 रुपए, तो 200 इंटू में 5, 1000 रुपए। कोई डाउट नहीं? अब इसके कितने रुपए जब्त करेंगे? 400 रुपए। बिल्कुल समझ में आ रहा है, देखो 400 रुपए। अब मैं यहां पे अलॉटमेंट एरियर कितने दिखाऊंगा? क्या कॉल सीन एरियर भी दिखाऊं? है ही नहीं तो दिखाऊंगा कहां, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान से बताना, मुझे जवाब देना। इस वाले केस में जब मैं फाइनल कॉल मांगूंगा तो मैं कितने शेयर होल्डर से मांगू? पूरे 10,000 से मांग लू या 9800 से? क्योंकि जिसके शेयर को जब्त कर लिया उसके पास बोलूंगा भाई तेरे शेयर जब्त कर लिए, थोड़े पैसे दे दे जो बचे हुए, वो तो देगा नहीं। किससे मांगेंगे? 9800 से। वहां पे भी बच्चे गलत करते हैं, फोरफीचर करने के बाद क्या करते हैं, सारी एंट्री इशू से कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत। तो हमने दो केसेस देखे, एक अब समझ में आ रहा है इस हेडिंग का मतलब, कि अगर वो फेल हो अलॉटमेंट पे लेकिन फोरफीचर कब हुआ? फाइनल कॉल के बाद, तो उसकी एंट्री ये है। लेकिन अगर वो अलॉटमेंट पे फेल होता है और फोरफीचर कहां होता है? अलॉटमेंट वही कर लिया गया, यानी आगे से पहले, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे। ये वाला एंट्री मैंने किया, ये आपको समझ में आ गया था, आपने बता दिया। थर्ड केस है व्हेन मोर देन वन होल्डर फेल, यानी जब दो फेल हो जाए। अभी तो मैंने एक का ही एग्जांपल लिया, जब दो। तो अब एक बार फटाफट से ये वाला पॉइंट नोट करो, फिर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कराता हूं। देखना शेयर फोर फीचर में इशू वाला चल रहा है, थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है, वही था, बस उसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने एडिशन कर दिया। क्या कहता है? मैंने इशू किए थे और इशू जो किए थे वो 10,000 शेयर किए थे, जिसका पेबल था आपका, सेम वही क्वेश्चन है ये, 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए। लेकिन यहां पे एक शेयर होल्डर फेल है जिसके पास 200 शेयर है, और एक यहां पे शेयर होल्डर फेल है सोहन, जिसके पास हमारे 300 शेयर है। लेकिन मुद्दे की बात है, इस क्वेश्चन में यह नहीं लिखा कि फोर फीचर कहां हुआ, तो मैंने लिखा ऑल शेयर वर फोर फीचर आफ्टर फाइनल कॉल। तो क्वेश्चन रेज होता है कि सर अब फोर फीचर करेंगे, हमें पता है कितना कितना फोर फीचर करना है, सबसे पहले मुझे फोर फीचर का अमाउंट बताना। सोच के राम के कितने रुपए फोर फीचर करेंगे? 400। और सोहन के?
सोहन ये रहा ना फेल, ये फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ है। ज्यादा होगा यानी 1500, ये समझ में आ रहा है? इसके 1500 और उसके 600, दोनों के फोर फीचर करेंगे क्या? दोनों को इकट्ठा करना है क्या? दोनों को अलग अलग करना है? तो दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टार्टिंग है तो हम अभी अलग अलग करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं फोर फीचर करके दिखा रहा हूं आपको राम का, ठीक है? राम का फोर फीचर कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मांगा है? इससे सारा भी मांगा है, अलॉटमेंट पे फेल हुआ, इससे फर्स्ट कॉल भी मांगा होगा, क्योंकि सबके शेयर में फोर फीचर कब कर रहा हूं तो मांगा ही होगा। तो 10 रुपए पूरे, तो इसके 200, टू शेयर फोर फीचर, टू अलॉटमेंट एरियर 2 कॉल्स इन एरियर, ये समझ में आई? ये तो सेम ही हो गया। हमने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट में नया, कि अगर दो फेल हो जाए तो दोनों का अलग अलग करना चाहिए। दूसरे का इधर करते हैं, राम के बाद कौन है हमारा? सोहन। अब इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ, 3000 आएगा पूरा, क्योंकि इससे भी पूरा कॉल्ड है, और 2 शेयर फोर फीचर कैसे? 5 रुपए दिए और 300 शेयर थे, और 2 शेयर फाइनल कॉल यानी कॉल्स इन एरियर, ये लो, थर्ड केस भी हो गया कंप्लीट, ठीक है? अभी मैं थर्ड केस के अंदर और पार्टीशन करते हैं, ठीक है, ताकि और समझ में आ जाए। ये समझ में आया पक्का? चलिए, अब मान लो 10 रुपीज का शेयर था, ठीक है, यह आपको करके दिखाना है अभी आंसर। यहां पे राम फेल है, 400 शेयर, यहां पे मोहन फेल है, 300 शेयर, लेकिन इसका यहीं पे फोर फीचर कर लूंगा मैं। इसका कब करूंगा? आफ्टर फाइनल ही करूंगा, ठीक है ना? इसका फोर फीचर यहीं हो गया, इसका फोर फीचर कहां हुआ? आफ्टर फाइनल कॉल। तो अब मुझे आप फटाफट से बताओ कि यहां पे फटाफट बताना मुझे कि इक्विटी शेयर कैपिटल राम का फोर फीचर करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, कितने से कितने मल्टीप्लाई करें मुझे भी समझा दो। 5 × 400, अच्छा 5 रुपए और इंटू 400, 3 × 2 = 5 × 400, ये वाला नहीं लेना हमने, तो कितने आ गए? 2000। और इसके शेयर फोर फीचर में कितने जाएंगे? 400 × 3 और एरियर, समझ में आ गया? उसका कितना करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट? इसके कितने करेंगे सत्येंद्र, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? इसके कितने करेंगे? इसके कितने इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट इसके फोर फीचर करते हैं? 3000। कैसे? क्योंकि इससे सारा मांगा गया। यानी सिंपल सा मीनिंग फर्स्ट क्लास के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने समझाया था एक वर्ड पेड अप और एक समझाया था कॉल्ड अप। जितना कंपनी मांगता है कॉल्ड अप उसी से इक्विटी शेयर कैपिटल देखो डेबिट हो रहा है और पेड अप फोर फीचर जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं पेड अप इज इक्वल टू शेयर फोर फीचर अमाउंट एट पार वाले केस में? बिल्कुल, जितना पेड अप करेगा वो फोर फीचर होगा। चलो एक और बात बताना मुझे, मान लो आपने ये आप हो और आपने 3 शेयर मांगे या 5 शेयर मांगे, आपने आपको मिले 3 शेयर, मांगे कितने? मिले 3। आप अलॉटमेंट पे फेल हो गए, आप फेल हो गए अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट यही वाला सीक्वेंस है, तो मुझे बताओ आपके कितने रुपए फोर फीचर करूंगा? ऑप्शन नंबर 1 15 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 9 रुपए। बताओ, अब आपको मिले 3 है, आप अलॉटमेंट पे फेल हो रहे हो तो अलॉटमेंट पे यानी इसका 3 रुपए, अलॉटमेंट पे तो दिए ही नहीं तो 9 भी बन रहे हैं, सोच लो एक बार, 15 ही बनेगा, 9 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सिंपल बताया भाई जितना पेमेंट दोगे सारा फोर फीचर कर लिया
जाएगा, चाहे एडवांस एडवांस कुछ नहीं हमें पता, सारा फोरफिचर हो जाएगा। समझ आया? चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट फटाफट नोट करो, फिर बुक के क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे आपको।